Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about respiration, or we may also call that respiration, but we can call like respiration hai. Basically iski pehle definition ko dekh lete hain ki iske definition kya hai. To sabse pehle agar baat karenge definition ki, jo definition hai, definition wo kya hai isko dekh lete hain. Sabse pehla iska jo definition hai वो ये है कि ये बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, प्रोसेस है, विच आकर इनसाइड द लिविंग सेल, इनसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल्स, ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड जो है ना, ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लेते हैं बट इसको डिटेल से देख लेते हैं. ये कौन सा प्रोसेस है? पहला हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज आल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है. और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, द वर्ड ऑक्सीजेशन से मुराद ये होते हैं एड ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अगर हम बात करेंगे रिडक्शन की, कि रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन जो है ना, इससे मुराद होता है लॉस ऑफ O2, एड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन कॉल इट एड ऑफ हाइड्रोजन. ये बेसिकली क्या है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं. अब ये जो प्रोसेस है ये कहां पे होता है, ये होता है लिविंग सेल में. इनमें से ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होंगी, वो हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ग्लूकोज भी हो सकता है, वो इसकी ब्रेकडाउन होंगी और इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होता है. अब अगर हम देख लेते हैं ना कि हम अगर बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन जो है ना, रेस्पायरेशन वो हम यहां पे देख लेते हैं. तो दो तरह की जो है बेसिकली क्या है, रेस्पायरेशन है. पहला जो हम देख लेते हैं इसका नाम है एरोबिक रेस्पायरेशन कह सकते हैं रेस्पायरेशन. और एरोबिक रेस्पायरेशन का दूसरा नाम है सेलुलर रेस्पायरेशन. इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन या रेस्पिरेशन कह सकते हैं. इसको सेलुलर रेस्पायरेशन इसलिए कहते हैं कि ये सेल के अंदर होता है, और खासकर इसका एक स्टेप जो है ना साइटोसोल में होता है, और दो स्टेप जो है कहां पे होते हैं, वो माइटोकांड्रिया में होते हैं. देखते हैं डिटेल से. इसके लिए क्या चाहिए, नीड O2. इसके लिए नीड है कौन सा, ऑक्सीजन चाहिए. इनमें से कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा किस चीज की, मैं अगर यहां पे लिखूंगा तो इनमें से कंप्लीटली क्या होगा, कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा किसकी, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड की कंप्लीट ब्रेकडाउन होंगी. ऑर्गेनिक फूड की क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होंगी. एन टू वाटर, हम अगर यहां पे देखें एन टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच टू ओ, और प्लस इसे क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगा. एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा. तो इसको हम इसके सारा रिएक्शन को देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह बनता है. तो मैं यहां से अगर इसको देख लू, यहां से थोड़ा सा आते हैं और इसको यहां से देख लेते हैं कि देखिए, अगर हम यहां से बात कर लेते हैं कि उसकी ओवरऑल रिएक्शन को ले लेते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन किस तरह होता है, C6H12O6+O2, ये क्या होता है, O2 होता है बेसिकली. और अगर हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे 6 भी होता है, 6O2 होता है. यहां से आपके पास होता है 6CO2 बन जाता है, और यहां पे 6H2O बन जाता है, और प्लस ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास 36 ATP बन जाता है, ठीक है. अब बात करते हैं, ये आपके पास रिएक्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स है. और ये जो आपके पास बन गया इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स कहते हैं.
अच्छा, यहां से अगर हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं तो ये रिएक्शन बेसिकली किसका है? ये बेसिकली अपोजिट है फोटोसिंथेसिस का, ये फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है, फोटोसिंथेसिस का ये बेसिकली क्या है? अपोजिट का है। क्यों? क्या फोटोसिंथेसिस हमने डिटेल से डिस्कस किया, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, H2O मिलता है, और क्या बनाता है आपके पास? C6H12O6+O2 बनता है, ये इसकी अपोजिट है। अब यहां से आपके साइंटिफिक बुक्स में कुछ बातें लिखे हैं, साइंटिफिक बॉक्स में ये बात लिखा है कि आपको जो ये रिएक्शन नजर आता है तो आपको सिर्फ ये नजर आता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल गया और आपके पास 36 एटीपी बनता है। तो ये रिएक्शन आसान नहीं है। ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ये 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? ये 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं स्टेप्स। और उस स्टेप्स में हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होगा? ये साइटोसोल में होगा या साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप का नाम है जिसको हम बेसिकली कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब, और इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ये बात आपने याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल से पहले ये जो कहां पे जाएगा ये लिंक रिएक्शन भी होगा, फिर खैर वो डिटेल से देख लेंगे। ये कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है ना, ये भी कहां पे होगा? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये 3 स्टेप्स आपके बुक में गिवन है। अब यहां पे आपके बुक में लिखा है जो ऑर्गेनिक फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? बिल्डिंग, वो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और वो ऑर्गेनिक फूड जो हम कहते हैं ये क्या देता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या देता है? एनर्जी देता है। और ये जो ऑर्गेनिक फूड हो सकता है यानी ऑर्गेनिक फूड, ये ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करने से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और इस एनर्जी से क्या चीज सिंथेसाइज किया जाता है? एटीपी सिंथेसाइज किया जाता है। और आप जानते हैं कि एटीपी इज अ रिच मॉलिक्यूल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब रिस्पायरेशन का मकसद क्या है? रिस्पायरेशन का मकसद यह है कि रिलीज होना एनर्जी, एनर्जी क्या होना? रिलीज होना। और जब एनर्जी रिलीज हो जाता है उस एनर्जी से वापस क्या बनना? सिंथेसिस ऑफ एटीपी बनना। अब यहां पे 2 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई, अगर हम देखें व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज एनर्जी फ्रॉम, यानी एनर्जी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर ये है, व्हाई डू दे सिंथेसिस एटीपी। मैं अगर आप लिखूंगा व्हाई डू दे सिंथेसिस एटीपी। क्वेश्चन है कि वो क्यों एटीपी बना रहा है। पहले ये क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो वो फूड खाते तो उसकी एनर्जी डायरेक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करता है, क्यों वो इसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये जो यानी अगर एक ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होते हैं, वो एनर्जी क्या करता है? सेल को हीट अप करता है। और दूसरा, उस दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी जाया होता है, तो इससे ये एनर्जी किस में कन्वर्ट करते हैं? एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। एटीपी में राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो वो सेल को सप्लाई करते हैं, सेल जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। तो दुनिया में जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो एटीपी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट तौर के इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद ग्लाइकोलिसिस है, तो ग्लाइको